नमस्कार, मैं हूं आंचल। आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शामली उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के राज में सदर कोतवाली क्षेत्र गांव ऐरती के जंगल में कुत्ते नोच रहे हैं। गोमांस मिली जानकारी के अनुसार ऐरती गांव के गन्ने के खेत में मिले मांस के टुकड़े जंगल में हुआ गाय वध। क्षेत्र में हड़कंप। आपको बता दें, पूरा मामला शामली सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव ऐरती का है, जहां पर गुरुवार की देर शाम पुलिस को सूचना मिली कि गांव ऐरती के जंगलों में गोवंश काटन हो रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा, जहां पर खोजबीन करने पर 2-3 दिन पुराने गोवंश के अवशेष मौके से बरामद हुए। जबकि मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर सदर कोतवाली क्षेत्र की औद्योगिक क्षेत्र में चौकी पड़ती है, लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा था गोवंश कटान। बताया जा रहा है कि जिस गन्ने के खेत में गोवंश के अवशेष मिले हैं, वह ऐरती गांव के पास के गांव मन्ना माजरा का है। बताया तो ये भी जा रहा है कि गांव मन्ना माजरा में जिंदा नामक आदि व्यक्ति के यहां शादी थी, जिसमें अंदाजा लगाया जा रहा है कि शादी के दौरान गोवंश को ऐरती गांव के जंगलों में ले जाकर की गोवंश हत्या कर बाकी के अवशेष ऐरती के जंगलों में फेंक दिए गए। अब देखना तो ये है कि शामली पुलिस प्रशासन इस गोवंश की हत्या की गुत्थी कब तक सुलझा पाएगी। कोतवाली क्षेत्र में सर गाय के अवशेष मिले हैं सर, ईंट के खेत में। सर पूरा मामला क्या है सर? हाँ, ये ईटी के जंगल में खेत में कुछ अवशेष मिले हुए हैं, जो प्रथम दृष्टा देखने से गौवध के लगते हैं। उनको मेडिकल के लिए भेजा जा रहा है, उनका जांच के लिए, और मुकदमा लिखकर जांच उपरांत और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनकी शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाएगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए टुडे 24 न्यूज के साथ।